आज का युग पॉलिथिन युग कहा जाता है। आज के युग में पॉलिथिन एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, और उससे भी बड़ी समस्या है कि देश को और दुनिया को कैसे पॉलिथिन मुक्त बनाया जाए। इसी कड़ी में साइबर सिटी गुरुग्राम में भी कदम उठाए जा रहे हैं। मानेसर क्षेत्र को पॉलिथिन मुक्त बनाने के लिए मानेसर नगर निगम से भावी मेयर उम्मीदवार डॉक्टर इंद्रजीत यादव द्वारा पॉलिथिन मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत डॉक्टर इंद्रजीत यादव अपने वार्ड में डोर टू डोर अभियान चलाकर पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए जूट के थैले बांटकर लोगों को प्लास्टिक से होने वाली बीमारियों से अवगत करा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो आप यहाँ पर पहुँचे। आज यहाँ पर वाटिका सोसाइटी के सहयोग से शिवरात्रि का आयोजन था, जिसमें विशाल भंडारे का प्रोग्राम चल रहा है और फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है। इसके साथ साथ पर्यावरण की स्वच्छता के लिए, पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए जूट के थैले बांटे गए हैं, और जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया है। जो हमारे मानेसर नगर निगम के 30 गांव हैं उनके समस्त गांव के बच्चों को और सोसाइटी के बच्चों को लगभग 50,000 थैले बांटे जा चुके हैं, कॉटन क्लोथ के और जूट के थैले। और यहाँ पर लगभग 200-250 बच्चों को सम्मानित किया गया है। समर्थन की बात की जाए तो 30 गांव से हमें पूरा समर्थन, और जो इसमें सेक्टर हैं, सोसाइटीज़ हैं, वहां से भी हमें पूरा समर्थन मिल रहा है। शुरुआत ही लोगों के समर्थन से हुई थी और ये मंजिल तक भी लोगों के समर्थन से ही पहुंचेंगे, और पूरा समर्थन और सहयोग हमें मिल रहा है, गांव के लोगों का भी और सोसाइटी के लोगों का भी। आपको बता दें कि आज मानेसर नगर निगम के भावी मेयर उम्मीदवार डॉक्टर इंद्रजीत और उनकी टीम ने सैकड़ों की संख्या में वार्ड में जूट के थैले बांटे। डॉक्टर इंद्रजीत यादव की माने तो उनका मकसद है कि मानेसर का हर घर प्लास्टिक मुक्त हो, इसीलिए उन्होंने अभी तक मानेसर क्षेत्र में 50,000 के आसपास जूट के थैले बांट दिए हैं, और बहुत जल्द ये आंकड़ा 1,00,000 के आसपास पहुंच जाएगा, जिससे खुश होकर मानेसर नगर निगम में रहने वाले सभी वर्ग के लोग डॉक्टर इंद्रजीत यादव को अपना भरपूर समर्थन दे रहे हैं। तो मैं जहां तक समर्थन की बात करूं तो पूरे 30 के 30 गांव और मानेसर पूरा नगर निगम में ही डॉक्टर इंद्रजीत यादव का समर्थन सबसे अव्वल दर्जे पर है, क्योंकि ये सिर्फ लोगों की वोट लेने नहीं आई है। और तो अब जैसे चुनावी सरगर्मियाँ नज़दीक आ गए, चुनाव लोग आए जब निकल गए, ये तो पिछले 3 साल से समाज सेवा कर रही हैं, और समाज सेवा चाहे और इन्होंने अपने स्वैच्छिक कोष से भी, चाहे नालियाँ बनवानी हो, चाहे लाइटें लगवानी हो, चाहे किसी को तीर्थ योजना करानी हो, किसी गरीब बेटे की शादी करानी हो, विभिन्न प्रकार की योजनाएँ, चाहे फोगिंग करानी हो सोसाइटी में, चाहे मच्छर मगाने की दवाई लगवानी हो, कुछ अनेक प्रकार की योजनाएँ इन्होंने अपने स्वैच्छिक कोष से करा रखी है। और मुझे उम्मीद है कि गाँव में जितना प्यार मिल रहा है डॉक्टर इंद्रजीत यादव को, उससे ज़्यादा सोसाइटियों में मिल रहा है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में इनकी मेहनत से और इनके कार्य को देखते हुए निश्चित रूप से मानेसर नगर निगम के क्षेत्रवासी इनको इस निगम का मेयर जरूर बनाएंगे। गौरतलब हो कि मानेसर नगर निगम क्षेत्र में आने वाली वाटिका सोसाइटी के सहयोग से रविवार को महाशिवरात्रि का आयोजन किया गया था, जहां डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया, तो वहीं इस दौरान फ्री मेडिकल चेकअप का आयोजन भी किया गया था, जहां हजारों की संख्या में लोगों ने अपने हेल्थ की जांच करवाकर भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं मानेसर वार्ड 17 में मंजीत यादव भी चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुट गए हैं। मंजीत यादव और उनकी टीम ने भी डॉक्टर इंद्रजीत यादव को समर्थन दिया है। सबसे पहले तो मैं मीडिया कर्मी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ यहाँ आने पर। दूसरा, मैडम की जो मुहिम है पॉलिथीन मुक्त नगर निगम मानेसर को बढ़ाना, उस मुहिम में हम आगे बढ़ा रहे हैं, और निरंतर मैडम जो हमें बोलते हैं हम उस तरह से यहाँ पूरी सोसाइटियों में डोर टू डोर जाके बैग बांटने का काम कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों पहले हमने एक यहाँ फ्री मेहंदी कैंप लगाया था करवा चौथ पे, और उससे पहले हमने रावण दहन का एक प्रोग्राम रखा था, और सोसाइटियों में हमने मकर संक्रांति को जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं, हमारे यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनको सबको हमने सम्मानित किया था।